हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ट्रेडर्स, आज का जो हमारा सीजन होगा, सीजन में सिर्फ लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे, ठीक है। ओटीसी मार्केट में आज ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे। लेवल पे कैसे काम करते हैं आप लोग भी देखना, ठीक है। मैं इधर फर्स्ट दो ट्रेड प्लेस कर दिया हूँ डाउन डायरेक्शन के लिए, क्योंकि इधर मुझे जो रेड कैंडल पिछला वाला में जो रेड कैंडल मिला वो लॉली कैंडल स्टिक पैटर्न में आता है, ठीक है। तो ऐसा लॉली कैंडल जब भी आप लोगों को दिखाई दे, मतलब अपवर्ड ट्रेड जा रहा है तो दिन के साथ ऐसा लॉली कैंडल दिखाई दिया, तब भी आप लोग देखना नेक्स्ट कैंडल पे आप लेना, ठीक है। इधर भी मार्केट मतलब ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, इसीलिए मैंने इधर दो ट्रेड प्लेस कर दिया हूँ ऑलरेडी, ठीक है। कुछ ही सेकंड बचा है, ये ट्रेड हमारा श्योर शॉट विन जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, मेरा ये ट्रेड पूरा डायरेक्ट श्योर शॉट विन हो गया, ठीक है। आप लोग डेली लाइव मार्केट में भी ट्राई करो, लेवल पे काम करो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पे लाइव मार्केट काम करता है, और ओटीसी मार्केट का पैटर्न या जो कुछ, ठीक है। इधर बहुत देर से यूरो जेपीए मार्केट में डाउन ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसीलिए इधर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लूँगा, डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूँगा, ठीक है। आप लोग भी ये भी ध्यान में रखना, जो जैसा डायरेक्शन मोमेंटम मार्केट चल रहा है तो उसी डायरेक्शन में आप लोग ट्रेड ज़्यादा लेना, तो प्रॉफिटेबल परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड कहाँ लेते हैं, ठीक है। ये कैंडल ख़त्म होने के बाद ही मैं नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लूँगा, ठीक है। ओके गाइस, मैं इधर आपके लिए जा रहा हूँ, ठीक है गाइस। ओके, अपवर्ड के लिए मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दिया, वो $10 का लिया, ठीक है, क्योंकि इधर मुझे एक होल नंबर देखा लग रहा है। इधर देखो ब्रेकआउट करके नीचे आ गया, ठीक है, ब्रेक डाउन करके, तो मार्केट आने के बाद भी मुझे इधर जो एक होल नंबर होता है, होल नंबर दिखाई दिया, ठीक है। तो मैं उसी का हिसाब से मैं आपके लिए ट्रेड प्लेस किया है, ठीक है। देखते हैं ये ट्रेड का रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। आप लोग भी डेली मतलब लाइव मार्केट में हर एक लेवल फॉलो होता है, ठीक है गाइस। आप लोग जितना भी बड़ा ट्रेडर्स है सब लेवल पे काम करके प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। हाँ, ओटीसी में भी लेवल काम होता है, ओटीसी में पैटर्न काम होता है, इसीलिए वो लोग मार्केट का मोमेंटम जैसा हिसाब से ट्रेड लेना पड़ता है, ठीक है। और कुछ ही सेकंड बचा है ये ट्रेड विन होने में, देखते हैं ये ट्रेड विन श्योर शॉट। ओके गाइस, ये ट्रेड भी हमारा विन हो चुका है। ओके, मैं इधर एक लेवल दे दिया, ठीक है, क्योंकि लेवल मार्केट रिजेक्ट का है, तो देखते हैं मेरा लेवल इधर होल नंबर है इधर, ठीक है, जहाँ पे रेड कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन लगा है उधर होल नंबर है, ठीक है। ओके, ये कैंडल पे मैं ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। पेशेंस रखना आप लोग, बार बार एक बात बोल रहा हूँ, आप लोग हर बार पेशेंस रखना, ठीक है। ये नहीं कि एक लॉस हो गया तो दूसरा फुल अमाउंट का ट्रेड लेते जाओ, रुको भाई, प्रॉफिट आएगा भाई, ठीक है। ओके गाइस, मैं इधर नेक्स्ट कैंडल पे डाउन के लिए जाऊंगा, ओके गाइस। ओके, मैं इधर डाउन के लिए प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं ट्रेड का रिजल्ट क्या आता है। ओके, अभी भी मेरा जो लेवल है, लेवल का नीचे मार्केट अभी भी गैप बचा हुआ है, देखते हैं, ठीक है। और आप लोगों को ये डेली का डेली फ्री सिग्नल्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैं उधर डेली फ्री सिग्नल ही देता हूँ, कोई लिंक से अकाउंट बनाओ तभी वीआईपी में एंट्री मिलेगा, वीआईपी कोई चैनल नहीं है, ठीक है। जो होगा दो हमारा फ्री ग्रुप है, ठीक है। ओके गाइस, मैं इधर डाउन के लिए जा रहा हूँ मार्टिंगेल।
ओ सेट, मार्केट कैसे मोमेंटम दिया देखा, लेवल का पावर। मेरा वो ट्रेड लॉस हो गया, तो मैं इसीलिए सोचा मुझे इधर शॉर्ट लग रहा है, तो इसीलिए मैं सोच रहा था जो 3 ट्रेड प्लेस कर दे, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट का मोमेंटम मतलब खतरनाक मोमेंटम दिखा दिया डाउन डायरेक्शन के लिए, ठीक है। ये ट्रेड हमारा शॉर्ट विन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना देर तक डाउन डायरेक्शन में मार्केट मोमेंटम कर रहा है, ठीक है। इधर 3 कैंडल भी हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जो पैटर्न होता है, 3 ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल, 3 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो मैं उसी के हिसाब से मैं ट्रेड ले लिया, ठीक है। देखते हैं कुछ सेकंड बचाया, ओके, और 5 सेकंड बचाया, ओके। ये भी ट्रेड हमारा विन हो चुका है, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो चुका है। अब लोग डेली के डेली ऐसा टारगेट बनाओ, जो मुझे एक ऐसा टारगेट लेना है जो मुझे अचीवमेंट करना है, ठीक है। ये नहीं कि मुझे इतना बड़ा करना है तो अचीवमेंट नहीं हो पाएगा, इमोशनल बीच में आ जाएगा, ठीक है। इमोशनल ट्रेड मत करो, दिन में ट्रेड लो 10-12-15 ट्रेड लो, ठीक है। इमोशनल ट्रेड नहीं आने देना है, ठीक है। जब भी इमोशनल 2-3 ट्रेड लॉस हो जाए तो आप लोग उस टाइम क्लोज करके निकल जाना, ठीक है। फिर 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा का बाद फिर आ जाना, ट्रेड मार्केट देखना, उसी के हिसाब से ट्रेड लेना, नहीं तो उस दिन के लिए ट्रेड क्लोज कर देना, ठीक है। प्रॉफिट होता है, सुबह में लॉस हो गया तो शाम में प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। माइंड साइकोलॉजी हिसाब से काम करो, ठीक है। आप लोग ओके, मैं इधर ट्रेड लूंगा एक, आपके लिए ट्रेड लूंगा एक, ठीक है। ओके, मैं इधर एक आपके लिए ट्रेड लिया हूँ, ठीक है। देखो ये ट्रेड हमारा गैप डाउन होके ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद जो होल नंबर होता है, होल नंबर का नीचे ही मार्केट जाके ओपन दिया, ठीक है। देखते हैं ट्रेड का रिजल्ट क्या आता है, ओके। देखो इधर और भी एक है, मेरा जो पिछले वाला जो लेवल देखो, इधर लेवल से लेवल 2 मैच कर रहा है, ठीक है। मैं इसीलिए अपवर्ड के लिए ट्रेड लिया, और ऊपर में जो होल नंबर का लेवल है वो लेवल पे क्या उसको ब्रेक डाउन करके नीचे मार्केट आके क्लोज दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली डाउन भी जा सकता है, ठीक है गाइस। ये विन होगा क्या नहीं पता, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल पे मैं डाउन के लिए ट्रेड लूंगा, ठीक है। ओके, ट्रेड हमारा लॉस जा रहा है, ओके गाइस, मैं नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लूंगा, ओके। ये ट्रेड विन हो चुका है गाइस, ठीक है, ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है, देखते हैं। ओके, मैं इधर ही डाउन के लिए प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इधर मुझे पता चल गया, जो पहले जो पिछले वाला जो ग्रीन कैंडल हुआ वो होल नंबर जो लेवल लगाया है उसका नीचे आके क्लोज भी दिया, ठीक है। तो मैं इसीलिए वेट किया कुछ टाइम, जाने के बाद मैं 2 ट्रेड प्लेस कर दे डाउन डायरेक्शन लिए, ठीक है। देखते हैं ट्रेड का रिजल्ट क्या आता है, ओके। लाइव मार्केट ओटीसी मार्केट कुछ अलग नहीं रहता है, हाँ, क्या लाइव मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन रहता है, कभी कभी मार्केट को देखना पड़ता है, कभी कभी मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन आता है लाइव मार्केट में, कभी कभी नहीं आता है, कभी कभी मार्केट अच्छा चलता है, ठीक है। उसके हिसाब से आप लोग ट्रेड करना, ठीक है। ये ट्रेड भी हमारा विन हो चुका है, ओके। नेक्स्ट ट्रेड का कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलता है देखते हैं, ठीक है। अभी भी मार्केट मतलब डाउन ट्रेंड में ही है, ठीक है। ये जो कैंडल अभी भी चल रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है, वो अगर लेवल पे नीचे आके क्लोज देगा तो मैं नेक्स्ट कैंडल पे फिर डाउन के लिए ट्रेड लूँगा, ठीक है गाइस। आप लोग देखना जो कैसा मतलब विनिंग जा रहा है, ठीक है। आप लोग भी डेली के डेली प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मेहनत करो भाई, आप लोगों की ऐसा श्योर शॉट भी मिलेगा सब, ठीक है, मार्केट में। ओके, ये तो रेड बन रहा है, ठीक है, अभी कुछ सेकंड बचा है, लेकिन लाइव मार्केट कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। देखो लास्ट सेकंड में मार्केट ग्रीन बना दे रहा है फिर, ओके, मैं नेक्स्ट कैंडल पे डाउन पे ले जाऊंगा, ठीक है गाइस।
ओके, मैं इधर डाउन के लिए प्रेस कर दिया हूँ। ठीक है, डाउन डायरेक्शन के लिए देखते हैं ट्रेड का रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, क्योंकि उसका रीजन आप लोग देख सकते हो, लेवल पे नीचे आके मार्केट क्लोज दिया। ठीक है यार, जहाँ पे लेवल पे जब मार्केट पहुँच गया था, ग्रीन कैंडल जो बना था उसका कितना ज़्यादा डाउनफॉल हुआ था मार्केट में, आप लोगों को दिखाई दिया अच्छा से। ठीक है, तो मैं उसी के बेसिस में मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया है। ठीक है, ये देखते हैं ट्रेड का रिजल्ट क्या आता है, लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। ठीक है, लॉस होगा तो मार्टिंगल प्लेस करूँगा। ठीक है, मार्टिंगल का प्लेस कब कब करना है, कब नहीं करना है, ये सब आप लोग मतलब मार्केट देख के समझ सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप लोग ऐसे समझ में नहीं आएगा जो कहाँ मार्टिंगल लेना है कहाँ नहीं लेना है। ठीक है, कभी कभी मार्केट मार्टिंगल लेना पड़ता है, कभी कभी नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, ओके यार, कुछ ही सेकंड बचा है, अभी भी ट्रेड हमारा फेवर में चल रहा है। ठीक है, ओके, ये ट्रेड भी हमारा विन हो चुका है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो चुका है आज के हिसाब से। देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड कहाँ मिलते हैं, और कुछ ही ट्रेड लूँगा लेकिन मार्केट आज के लिए सीजन क्लोज कर दूंगा। आज मॉर्निंग में जो हमारा टेलीग्राम चैनल जो क्यूटेक्स बज्जा में जो चैनल नाम है, ठीक है, उसमें आज सिग्नल मॉर्निंग में दिया था, फर्स्ट एक ट्रेड लॉस, फर्स्ट मतलब सियोर शॉट विन हुआ था, दूसरा मार्टिंगल पे हमारा लॉस हो गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा जब सियोर शॉट एक विन हुआ, ठीक है, उसके बाद मैं खुद 3 स्टेप कंपाउंडिंग कर लिया। ठीक है, $10 से $112 तक मैं खुद मॉर्निंग में कंपाउंडिंग कर लिया। ओके, देखते हैं ये ट्रेड का रिजल्ट, अभी भी तो लॉस में चल रहा है अभी। ठीक है, मैं नेक्स्ट कैंडल पे मैं डाउन के लिए जाऊंगा अगर ग्रीन बन जाएगा ये कैंडल। ठीक है, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, ओके, ट्रेड हमारा लॉस हो चुका है। ठीक है, ये कैंडल हमारा लॉस हो चुका है। ओके, नेक्स्ट इसी कैंडल पे मैं देखते हैं। ओके, मैं इधर आपके ले जा रहा हूँ। ठीक है गाइस, बड़ी अमाउंट का ट्रेड ले लिया है, एक ट्रेड लॉस हुआ हमारा मार्टिंगल पे, 2 ट्रेड प्लेस करना चाहिए। मैं इधर मतलब डबल अमाउंट का ले लिया क्योंकि मुझे इधर सियोरिटी मिल गया था जो मुझे इधर आप ही जाना है। ठीक है, कैंडल का रीज़न यहाँ पे सेम टू सेम रीज़न है। देखो, उसका पिछले वाला जो कैंडल बना है रेड ग्रीन का एक पैटर्न चल रहा है। ठीक है, उसके बाद भी देखो वो जो लेवल नीचे वाला लेवल, उसको अभी ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट। ठीक है, तो इसी का वजह से मैं इधर मार्केट जब मतलब फास्ट मोमेंटम से आया, इसीलिए मैं इधर आपके लिए किया। ठीक है, ओके, ट्रेड हमारा विन हो चुका है, ऑब्वियसली अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो चुका है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड लेता हूँ, नहीं तो इधर ही क्लोज कर दूंगा मार्केट में। ठीक है, देख लो आप लोग इधर जो हमारा ट्रेड का जो आज का रिजल्ट है देख लो। ठीक है, यूरो जेपीआई ऑब्वियसली 90% से ऊपर मेरा विनिंग रेशियो चल रहा है। ठीक है, यूरो जेपीआई में, तो उसके पहले यूरो जीबीपी में मैं खुद ट्रेड लिया था। ठीक है, वो भी देख सकते हो, 1 ट्रेड लॉस हुआ था, 4 ट्रेड विन हुआ। ठीक है गाइस, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, और टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।